वेलकम बैक माई फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, मेरे काउंट डाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि शैतान के पास एक मीनार, उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखते हैं कि शैतान मीनार के पास क्या है, उसकी कहानी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इब्राहिमी और गैर इब्राहिमी मज़ाहिब में शैतान का तफसीली ज़िक्र और हालात मुख्तलिफ नामों के साथ मिलता है कि शैतान किस तरह बनी नू इंसान को बहकाता है और उसके कारिंदे और चेले किस तरह काम किया करते हैं। अहले किताब और कदीम किनानी अकायद के मुताबिक शैतान दुनिया के 7 मकाम को अपने मराकज़ के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये मकाम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और जज़ीरों में फैले हुए हैं और शैतान जब से इस ज़मीन पर आया है, ये मकामात शैतान का हेडक्वार्टर है। उन्हीं 7 मकामात को शैतान का मीनार या 7 टावर्स ऑफ डेविल कहा जाता है। लोगों के दरमियान फसाद फैलाने और पूरी दुनिया में अपने शर व फितना को फैलाने के तमाम तर मंसूबा बंदी शैतान उन्हीं 7 मीनारों में अंजाम देता है। इस अकायद की तायद न सिर्फ अहले किताब और कदीम मजाहिब करती हैं, बल्कि मुस्लिम सूफिया और मुहक्किकीन भी उन 7 मीनारों को तस्लीम करते हैं। दरअसल शैतान के उन 7 मीनारों का ताल्लुक आसमान से धुतकारे गए फरिश्ते यानी द फॉलन एंजल्स से है। चुनांचा हमें ये जानना होगा कि फॉलन एंजल्स आखिर कौन थे। फॉलन एंजल्स या बागी फरिश्तों का जिक्र अबरानी बाइबल में तो मौजूद नहीं, लेकिन यहूदियों की एक कदीम आसमानी सहीफ़ा बुक ऑफ इनॉक में उन बागी फरिश्तों का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक इंसानों की तख्लीक से भी पहले खुदा ने फरिश्तों की तख्लीक की थी, जिनमें लूसीफर नामी एक खूबसूरत और जहीन फरिश्ता खुदा का सबसे मुकर्रब बंदा था, जो खुदा का सबसे ज़्यादा प्यारा था। लूसीफर तमाम फरिश्तों का सरदार था और उसके पास बेपनाह उलूम थे। जल्द ही लूसीफर अपने इल्म और ताकत पर गुरूर और तकबर कर बैठा, लिहाजा वो खुद को खुदा से बरतर कहने लगा और अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी बुलंद करना चाहता था। वो खुद की बड़ाई चाहता था। लूसीफर ने दूसरे फरिश्तों को भी खुदा के खिलाफ बगावत करने पर उकसाया, लिहाजा कुछ फरिश्तों ने लूसीफर की बात मान ली और उसके साथ हो गए। तब खुदावंद ने लूसीफर और उसके साथियों को आसमान की बादशाहत से निकाल कर उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया और इसी वजह से वो गिराए हुए फरिश्ते कहलाए। ये भी कहा जाता है कि उन्हें ज़मीन पर इंसानों का निगरान यानी वॉचर्स बनाकर भेजा गया था, लेकिन वो इंसानी औरत के फितने में मुब्तला हो गए। ख्याल रहे कि अहले किताब ये अकीदा रखते हैं कि ये बागी मखलूक फरिश्ते थे, लेकिन इस्लामी अकायद इसे बातिल करार देती है, क्योंकि फरिश्ते कभी सरकशी और नाफरमानी नहीं करते। अलबत्ता अगर इस वाक़े को हकीकी मान भी लिया जाए तो वो गिराए गए मखलूक जिन्नात या इबलीस और उसके साथी को करार दिया जा सकता है। बहरहाल बहुत सारे कदीम अकायद ये कहती हैं कि फॉलन एंजल्स ज़मीन पर कुल 7 मकामात पर गिराए गए थे और ये वही 7 मकामात हैं जिसे शैतान अपने मरकज के तौर पर इस्तेमाल करता है। शैतान के उन 7 मीनारों के मुतालिक एक फ्रांसीसी मुसलमान मुहक्किक अब्दुल वाहिद यहिया ने काफ़ी तहकीक की थी। अब्दुल वाहिद यहिया इस्लामिक मेटाफिज़िक्स के माहरीन में से थे, जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम बल्कि तसव्वुफ़ और दीगर एशियाई मज़ाहिब और अकायद के मुतालिक कई किताबें तहरीर की, जो जदीद फ़लसफ़े और मेटाफिज़िक्स के ज़िमन में लिखी गई हैं, जिनमें एक मशहूर रिसाला अल मुआरफा है, जिसे 20 से ज़्यादा यूरोपीय ज़बानों में तर्जुमा किया गया था। कहते हैं कि अब्दुल वाहिद यहिया ने अपनी तमाम ज़िंदगी शैतान के उस 7 मीनारों की तलाश और तहकीक में सर्फ कर दी। अब्दुल वाहिद ने उन 7 मीनारों के मुतालिक तफसीली चीज़ें लिखी हैं और साथ उन मुकामात की निशानदही भी कर दी है जहाँ वो मीनारे मौजूद हैं। अब्दुल वाहिद के मुताबिक शैतान का पहला मीनार अरब अफ्रीकी मुल्क सूडान में मौजूद है, जहां कदीम ज़माने में मिस्र के फिरौनियों की हुकूमत थी और जो मिस्री जादूगरों की सरजमीन के नाम से मशहूर था। दूसरा मीनार अफ्रीका के ही एक मुल्क नाइजर में है, जहां कभी कदीम इंसानी कबाइल आबाद हुआ करते थे।
शैतान का तीसरा मीनार मुल्क शाम में है, जहां कदीम फोनिशियन लोग आबाद थे और जो कभी कद आवर और देवकामत इंसान का मस्कन था। अब्दुल वाहिद के मुताबिक शैतान का चौथा मीनार तुर्किस्तान में, जबकि पांचवा और छठा मीनार रूस के बर्फीले पहाड़ी सिलसिलों के मजीद शुमाल यानी साइबेरिया के वीरान इलाकों में कहीं मौजूद है। शैतान का सातवां मीनार दुनिया की कदीम तरीन सरजमीन मेसोपोटामिया यानी इराक में मौजूद है। ये सातवां मीनार ही बकिया तमाम मीनारों को कंट्रोल करता है और तमाम तर शैतानी मंसूबे इस मीनार के अंदर ही बनाई जाती है। शैतान के इन सात मीनारों का तसव्वुर सिर्फ यहूद व नसारा के सहीफों में ही मौजूद नहीं, बल्कि एक कदीम मशरिकी मजहब में भी इसका तज़करा मिलता है, जिसे यजीदी मजहब के नाम से जाना जाता है। यजीदी मजहब दुनिया के कदीम तरीन मजाहब में एक है, जो ईरान यानी कदीम फारिस में जरतुश्त की आमद से पहले से मौजूद थी। यजीदी अकायद के मुताबिक यजदान यानी खुदावंद ने इस कायनात को बनाया और फिर सात बड़े फरिश्तों को पैदा किया, जो उसके सबसे ज़्यादा फर्मा बरदार थे, जिनका नाम दरदाइल, जिब्राइल, इज़राइल, मीकाइल, अजाज़ील, इसराफील और मलक ताऊस है। उनमें सबसे मुकर्रर फरिश्ता मलक ताऊस था, जिसे बहुत सारे इल्म और ताकत अता की गई थी। लेकिन जब मलक ताऊस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो यजदान ने ताऊस को जहन्नम में डाल दिया। ताऊस अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और इतना रोया कि आंसुओं से जहन्नम की आग बुझ गई, लिहाजा खुदावंद ने उसे माफ कर दिया। ये मलक ताऊस कोई और नहीं बल्कि इबली से लईन था और यजीदी इसी शैतान की पूजा करते हैं, जिसकी शबी वो किसी मोर या सांप की शक्ल में पेश करते हैं। यजीदियों का भी मानना है कि मलक ताऊस या शैतान अपनी हुकूमत दुनिया में मौजूद सात मुख्तलिफ मकामात से चलाता है और वो उन मीनारों को मुकद्दस मानते हैं। उन्होंने इराक के शुमाली हिस्सों में उन सात मीनारों की फर्जी इमारतें भी बना रखी हैं, जिसकी ज्यारत हर यजीदी पर फ़र्ज है। हर ज़माने में मुख्तलिफ सल्तनतों और हुकूमतों ने इस जगह से यजीदियों को ख़त्म करने की कोशिशें की, लेकिन वो सब नाकाम रहे और हज़ारों सालों से यजीदी कौम इसी जगह आबाद हैं। लोगों का ख्याल है कि ये यजीदी जिस मकाम पर आबाद हैं, ये जगह मलक ताऊस की सरजमीन है, जहां उसका सातवां मीनार कायम है, जिसकी हिफाजत ये यजीदी करते हैं। साल 2006 में जब अमरीकी फ़ौज इराक पर काबिज हुई थी, तो अमरीकी फ़ौज के सिपाहियों ने बताया था कि कुर्दिस्तान और इराक के यजीदी इलाकों में उन्होंने एक अजीबोगरीब मखलूक को कई मरतबा देखा था। जब उन्होंने उस मखलूक की तलाश की, तो उन्हें उस मकाम पर न कोई सबूत मिले न कदमों के निशानात, जहाँ उन्होंने उसे देखा था। फ़ौज के सिपाहियों के साथ ऐसे कई वाकयात हुए कि जब उन्होंने इंसान नुमा लंबे कद के मखलूक को देखा, लेकिन जब वो उसके करीब गए, तो वो हवा में बिखर कर गायब हो गया। मकामी मुसलमान उसे गोल जीन कहा करते थे, जबकि यजीदियों का मानना था कि वो मलक ताऊस है, जो उस इलाके में रहता है और वक्तन फवक्तन नज़र आ जाता है। अब्दुल वाहिद ने यह भी लिखा है कि ये सात मकामात एक दूसरे से किसी ख़ास मनफी कुव्वत के तहत जुड़ा हुआ है। ये शैतानी कुव्वत ज़मीन में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड जैसा है। कुछ मुहक्किकीन का ये भी मानना है कि ये सात मीनार जिस मकाम पर मौजूद हैं, वहाँ से दरअसल दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं, जिन्हें जदीद साइंस पोर्टल्स का नाम देती हैं। उन पोर्टल्स से खिलाई मखलूक, जिन्नात और शैतान इस दुनिया में आते हैं, जिन्हें वहाँ के मकामी बाशिंदों ने देखने के कई वाकयात बयान किए हैं। मगरबी मुहक्किकीन का ये भी मानना है कि साल 1940 में जब हिटलर की नाजी अफवाज पूरी दुनिया में तबाही फैला रही थी, तो नाजी साइंसदानों और माहरीन ने उन सात मीनारों को तलाश करने पर बहुत कोशिशें की और उस मीनार को खोज निकालने के बहुत करीब पहुंच गए थे, मगर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में नाजी तबाह हलाक हो गए। लेकिन आज भी बहुत सारी तंजीमें उन सात मीनारों की तलाश में सरगर्दा हैं, जो इस दुनिया में बुराई का सबसे बड़ा मनबा है और जहां तक पहुंचकर न जाने किन किन ताकतों और शैतानी कुव्वतों से जुड़ा जा सकता है। ओ फ्रेंड्स, वीडियो कितना अच्छा लग रहा था। मतलब एक जिन्नात की कहानी है, जो जिन जो पहले के जो मतलब जो थे जिन, जो अल्लाह ताला ने जो फरिश्तों के रूप में भेजे थे, तो उनको अल्लाह ताला बहुत अच्छे थे फरिश्ते, मतलब बहुत अच्छे लगते थे उनके, बहुत प्यारे थे। तो
तो इस धरती पे भेजते थे कि मतलब जाइए कोई अच्छा काम कीजिए, मतलब वहाँ पे देखभाल कीजिए, मतलब कुछ करने के लिए इस धरती पे मतलब भेजे थे। तो कुछ मतलब उसमें से एक जिन जो थे कुछ मतलब उनको अंदर ज़्यादा उठी मतलब अहंकार आ गई कि मतलब मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो मैं ऐसा क्यों नहीं किया खुदा से ऊपर मैं हो जाऊँ। तो खुदा से ऊपर अपने आप को मानने लगा, सबको जो भी फरिश्ते थे अजनबी थे उनको भी मतलब धमकाने लगे, जो जो मतलब जिन जो फरिश्ता जो आया था यहाँ पे, तो जब नबी जब खुदा के लिए नमाज वाज करते थे नमाज पढ़ते थे तो बीच में रोका डालते थे कि तुम ऐसा मत करो। तो फिर ऊपर से बाकी फरिश्ते देखे थे तो फिर उनको धरती पे कैसे मतलब पटक दिए, जब धरती पटक दिए तो यहाँ पे मतलब ऐसे घूमने लगे भटकने लगे, मतलब जिनके रूप में मतलब वो प्रकट हो गए, कहीं भी मतलब दिखाई देते थे कहीं गायब हो जाते थे, तो कहीं हवा में ऐसे दिखाई देते थे हवा की तरह बिखर जाते थे। फौजी लोग बहुत लोग देखे थे, पास में जाते थे तो बिल्कुल बिखर जाता था जो जिन था, हवा की तरह मतलब गायब हो जाता था और दूर से मतलब दिखाई देता था। तो कैसे मतलब कि अपने आप को बहुत महान बड़ा समझने लगा, इतना अहंकार आ गया कि बिल्कुल वही मतलब ख़राब हो गया। तो सच में ज़्यादा जो शक्तिशाली हो जाते हैं तो अपने आप को खुदा से तुलना करने लगते हैं कि मैं खुदा से बड़ा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, दुनिया भर के मतलब अपना शक्ति दिखाने लगते हैं। तो ये मतलब वीडियो के माध्यम से दिखाए हैं कि किशन मीनार के पास वो जिन रहता है, जहाँ जहाँ सात मीनार बताए हैं सात मीनार के पास वो रहता है। तो कोई ऐसा मतलब कोई दरवाज़ा है वहाँ पर जो ताकत भरी दरवाज़ा है, वहाँ सात मीनार जहाँ होती है तहाँ कोई मतलब जन्नती दरवाजा बता रहे हैं कोई चीज़ है वहाँ पे। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आया कि कैसे कैसे पहले लोग जिन्नात बन जाते थे तो कितना उनके अंदर अहंकार आ जाती थी। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोग के कैसा लगा, हमको भी समझ में आएगा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।